हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएसटी क्लास। प्रीवियसली वी आर डूइंग चैप्टर 4 ऑफ सिविक्स। वी हैव कंप्लीटेड टू पार्ट्स ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर विल बी डन एंड आफ्टर दिस वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। You have seen different ways in which there is inequality or discrimination between the girls and boys. किस तरीके से उनके साथ discrimination होता है, उनको बराबर का जो भी हक है वो नहीं दिया जाता है। They are not given the proper salary as compared to men. Men को ज़्यादा salary दी जाती है and for the same work वोमेन को सैलरी कम दी जाती है। इनफैक्ट वोमेन्स जो है प्रोफेशनल काम कम करती हैं। बट इन टुडे सोसाइटी द कंडीशंस आर चेंजिंग, कंडीशन चेंज हो रही है धीरे धीरे। अब वोमेन एंड मैन दोनों एक साथ डिफरेंट वर्क्स में, डिफरेंट प्रोफेशन में वे एक साथ काम करते हैं एंड दे गेट पेड विद द सेम अमाउंट ऑफ सैलरी for same work. There is no discrimination, or we can say that discrimination is being decreased by the government, by the efforts of government, by the policies of government. We have discussed in the starting of this chapter two examples, one of Samoan Island and second of Madhya Pradesh MP, ki kis tarike se jo boys or girls hain उनको डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किस तरीके से उनके साथ अनइक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है। इन समोआ आइलैंड जो भी चाइल्ड होता था जब वो 9 ईयर का हो जाता था तब उसको बाहर फिशिंग के लिए या किसी दूसरे काम के लिए भेजा जाता था। वाइल द गर्ल रिमेन इन द हाउस एंड टेक केयर ऑफ देयर सिबलिंग्स, बट एट द एज ऑफ 14 दिस गर्ल्स ऑल्सो गोज टू फिशिंग एंड सम अदर डिफरेंट एक्टिविटीज। वी हैव सीन दैट द हाउस होल्ड वर्क इज नॉट गिवन द प्रॉपर वेटेज और प्रॉपर वैल्यू। दिस हाउस होल्ड वर्क वॉज कॉमनली ट्रीटेड एज लो वैल्यू वर्क, और इवन कुछ लोग तो ये भी नहीं समझते हैं कि हाउस वर्क जो होता है इसको वर्क ही माना जाता है या नहीं। नाउ वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज वोमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। एज वी हैव सीन दैट लो वैल्यू अटैच्ड टू वोमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क, जो भी वोमेन के हाउस होल्ड वर्क होते हैं या फिर जो भी केयर गिविंग वर्क होते हैं, जो घर में जो ओल्डर पर्सन होते हैं उनकी देखभाल की जाती है, घर के हाउस होल्ड वर्क किए जाते हैं, तो उनको लो वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड इट इज अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वोमेन। मैन और वोमेन के बीच जो इक्वलिटी है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसकी वजह से ये डिफरेंटली तरीके से, डिफरेंट वेज में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू रिमूव दिस डिस्क्रिमिनेशन और इक्वलिटी, गवर्नमेंट हैज रिटन इन जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वॉज रिटन एंड इन दिस द फंडामेंटल राइट्स वर गिवन टू पीपल दैट इक्वलिटी शुड बी इक्वल टू बोथ, आइदर दिस इज गर्ल और बॉय or not, okay, this is equality. Different usme procedure diye gaye hain, different articles usme banaye gaye hain ki kisi bhi tarike se kisi ek particular gender ko, kisi ek particular person ko discriminate na kiya jaye. Government is committed to understand the reasons for this discrimination and taking positive steps to remedy the situation. उसको ठीक करने के लिए, उसको जो भी उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है उसको कम से कम करने के लिए गवर्नमेंट
takes positive steps, different policies ke तहत, you can see here, this is an Aanganwadi center, जिसमें छोटे बच्चों का उन्हें पढ़ाया जाता है, उन्हें बहुत ही फ्रेंडली तरीके से सिखाया जाता है. दिस इज एन आंगनवाड़ी सेंटर. सम ऑफ स्टूडेंट्स हैव सीन दिस आंगनवाड़ी सेंटर. ओके, सो देर आर मैनी एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, और वी कैन से दैट बॉयज एंड गर्ल्स, बिकॉज इक्वलिटी, जो भी इनइक्वलिटी होती है, ये सोसाइटी से ही अराइज होती है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू एवरी आइडेंटिटी ऑफ द सोसाइटी, आइदर दिस इज गर्ल और बॉयज, और वी कैन से दिस इज मैन और वुमेन. सो आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड डिफरेंट मेजर्स टू प्रिवेंट द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन डिफरेंट जेंडर्स, और डिफरेंट रीजंस की वजह से जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको कम करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंट प्रोविजंस दिए हुए हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर. हियर यू कैन सी अ पिक्चर दैट दिस इज अ वुमेन. सी परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस. यू कैन से, यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्वेटर. स्वेटर भी बुननी है, काम भी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, उसके बाद बच्चों को भी खिलाती हैं, घर घर भी साफ करती हैं. दिस इज रूम एंड दीज आर ऑल्सो अ वुमेन परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस. कई सारे काम करती है वो, बट देयर वैल्यू, जो भी उनकी वैल्यू है, या तो बहुत ही कम आके जाती है या फिर उन्हें इग्नोर कर दिया जाता है. सो दिस इज अ कॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. एंड नाउ वी विल मूव टू questions of this chapter. So now we will do exercise of this chapter. First question is, are the statements given alongside true or false? True or false बताना है कि जो statement दिया हुआ है ये true है या false है, and support your answer. अपने answer को support भी करना है, उसके फेवर में एग्जाम्पल भी देना है या उसको एक्सप्लेन भी करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज ऑल सोसाइटी डोंट थिंक सिमिलरली अबाउट द रोल्स दैट बॉयज एंड गर्ल्स प्ले. इसमें सिंपली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि जितनी भी सोसाइटीज हैं वे गर्ल्स और बॉयज के साथ सिमिलरली बिहेवियर नहीं करती हैं, इज दिस ट्रू और फॉल्स? So this statement is true, क्योंकि more importance is given to the work done by boys instead of the ones done by girls. जब boy कोई काम करता है तब उसको उसका जो cost होता है, जो उसकी मेहनत होती है, उसके लिए अच्छी salary मिलती है, while girl उसके work को काफी तरीके से ignore किया जाता है एक तरीके से. So all societies don't think similarly. सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, डिफरेंट सोसाइटीज में डिफरेंट तरीके के कस्टम्स होते हैं, और दे आर फॉलोड बाय द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आवर सोसाइटी डज नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स व्हेन दे आर ग्रोइंग अप. जब गर्ल और बॉयज ग्रो अप कर रहे होते हैं तो हमारी सोसाइटी उनके साथ कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं बनाती है. इज दिस स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स? So we know that this is false. So this statement is false. जो हमारी सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी में बचपन से ही, छोटे से ही, जो बॉयज और गर्ल्स होते हैं उनको डिफरेंट तरीके के टॉयज, गर्ल्स के लिए अलग और बॉयज के लिए अलग, इस तरीके से ये डिफरेंशिएट किया जाता है. So this statement is false. Next question is, women who stay at home don't work. ये पूछ रहा है इसमें कि जो women घर पे रहती हैं वे work नहीं करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है. So this statement is false. घर पे रहने वाली कोई भी ladies हो,
she does a lot of work, like she washes clothes, sweeps the house, clean, cook food, and pretty keep the entire house in order. So a woman performs a lot of functions. Okay, so this statement is false. Now, the work that women do is less valued. This is a true statement because in our society ऐसा माना जाता था. अब हालांकि difference कम होता जा रहा है, लेकिन पहले माना जाता था कि woman का जो work है वो less valued है. But ये ठीक नहीं था. Okay, so this statement is correct क्योंकि पहले ऐसा समझा जाता था कि जो woman का work है वो लेस वैल्यूड है, उसकी वैल्यू कम है. और इफ दिस इज वर्क डन बाय अ मैन देन द कॉस्ट ऑफ द वर्क विल बी मोर. वुमेन परफॉर्म्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस, नॉट इवन प्रोफेशनल फंक्शंस अलोंग विद हाउस होल्ड फंक्शंस. सो वुमेन डू अ लॉट ऑफ वर्क इन कंपैरिजन टू मैन. So we move to next question. Housework is invisible and unpaid work. Invisible means दिखाई न देना, and unpaid means ऐसा work जिसके लिए कोई भी salary न मिले. This is called unpaid work. Housework is physically demanding. Yes, physically demanding means ये जो भी physical activities होती हैं उसमें शामिल होती हैं, ये physically demanding है, मेहनत पड़ती है इसमें. हाउस वर्क इज टाइम कंज्यूमिंग. टाइम कंज्यूमिंग मीन्स कि ऐसा वर्क जिसको करने में काफी टाइम लगता है, दिस इज कॉल्ड टाइम कंज्यूमिंग. सो वी हैव टू राइट इन योर ओन वर्ड्स दैट व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म्स इनविजिबल, फिजिकली डिमांडिंग एंड टाइम कंज्यूमिंग. ये इन जो थ्री वर्ड्स हैं इनकी मीनिंग पूछना चाह रहा है कि इसका क्या मीन है, एंड गिव वन एग्जाम्पल of each based on the household tasks undertaken by woman in your home. So first of all we'll explain invisible. Invisible means ki dikhai na dena ya fir usko ignore karna. Invisible means the work that is not seen from our eyes. Hum agar usko dekh nahi pate hain, this will be called invisible. Example of this is the main responsibility of household and caretaking task, look after the family, especially the children and elderly and sick members, lies with women. There are such works or tasks which are often not recognized as work and therefore remain invisible. जो women का work होता है, जो household work होता है, उसको एक तरीके से invisible माना जाता है. एंड नेक्स्ट इज फिजिकल डिमांडिंग. फिजिकली डिमांडिंग यानी कि ये इससे जो है काफ़ी मेहनत पड़ती है, काफ़ी जो फिजिकल एक्टिविटी होती है इसकी वजह से काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी होती है. एंड फिजिकली डिमांडिंग मीन्स वेरी टफ एंड डिफिकल्ट, इसको करने में काफ़ी दिक्कत होती है. एंड इट इज़ डिफिकल्ट टास्क एंड वोमेन डू अ लॉट ऑफ हैवी ड्यूटी वर्क रेंजिंग लाइक वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े को धोना, एंटायर फैमिली मेंबर्स गैदरिंग एंड कैरिंग हैवी लोड्स ऑफ फायरवुड अमंग अदर्स. गांव में पहले क्या होता था कि जो लेडीज होती थी ये खाना पकाने के लिए बाहर जाके जंगलों से लकड़ी लेकर आती थी, विच इज कॉल्ड फायरवुड, और फिर उस पर ये खाना बनाती थी. सो दिस इज क्वाइट फिजिकली चैलेंजिंग टास्क. एंड नाउ आंसर नंबर थ्री इज टाइम कंज्यूमिंग. By saying time consuming, we mean that if a work is done but it takes a lot of time, this will be time consuming. Household work that take much time is called time consuming. For example, जो woman का routine होता है that begins from early morning and continues up to late night, she does the work whole of the day and she get up in the morning. सबसे पहले वो अपने घर में उठ जाती है, उसके बाद अपने जो भी टास्क है वो परफॉर्म करती है और लेट नाइट तक अपने टास्क को कंप्लीट करती रहती है. सो दिस इज टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट इज
Make a list of toys and games that boy typically play and another for girls. यानी कि उन टॉयज़ की लिस्ट बनानी है, टॉयज़ की एंड गेम्स की, जिन्हें बॉयज़ टिपिकली पसंद करते हैं और गर्ल्स ये पसंद करती हैं. एंड सेकंड पूछ रहा है, इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस व्हाई इट इज़ सो. मतलब ये पूछ रहा है कि फिर इसके डिफरेंस होने की रीज़न क्या है, उसकी वजह क्या है. डज दिस हैव एनी रिलेशनशिप टू द रोल्स Children have to play as adults. Okay, so answer of this question. First of all, we'll give the list of toys and games that boy can play. For example, these can be cars, guns, swords. इस तरीके के ये जो toys होते हैं ये boy पसंद करते हैं. While the girls जो होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं, दैट प्रीफर टू प्ले विद डॉल्स, कुकिंग आइटम्स एटसेट्रा. एंड इफ यू टॉक अबाउट गेम्स, देन सो बॉयज प्रीफर दीज टॉयज. And games are cricket, kabaddi, hockey, etc. And girls, they prefer to play with dolls or cooking items, and they prefer badminton, table tennis, hide and seek. So these are games for girls, and here we discussed for boys. And now answer of this question, if there is a difference between the two lists, can you think of some reasons why this is so? So the reason behind this is that our society makes clear distinctions between boys and girls. जो हमारी society है, boy और girls को के बीच में बिल्कुल एकदम clear cut marks ये बना देती है. Boys are taught to be tough. Boys को ये कहा जाता है कि boys are tough, while the girls are taught to be mild. Okay? Boys are expected to do work while highlight their manly features, but girls are expected to remain in limit. Girls ko limit mein rehna padta hai with all feminine virtues. So this has clear relationship to the roles children have to play as adults. So this is all about the chapter. We have finished this chapter. You have to write down these questions and answer in your notebook. अपनी नोटबुक में इनको आपको लिखना है एंड देन शो मी